चुनाव आयोग हो चाहे ईडी हो सीबीआई हो, अपनी अपनी सोच है कि मैं सोचता हूँ इनके पालतू हो गए हैं। अब जब चुनाव आयोग सरकार से पूछता है चुनाव कब करवाने, हाई कोर्ट इनसे पूछती है चुनाव का क्या रिजल्ट है, क्या करवाना है नहीं करवाना है। चुनाव अभी जो आदमपुर का है उसमें भी पब्लिक इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। गाँव का विकास को प्रभावित करने का और पंचायती राज को खत्म करने की बड़े स्तर पर साजिश चल रही है। मैं यूं कह रहा हूं आपके माइक पे कि अगले साल भी चुनाव नहीं होंगे। पंचायत चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं देरी नज़र आती है। जी हां, 2 साल से जो है पंचायत चुनाव में सिर्फ डेट पे डेट मिलती जा रही है, लेकिन पंचायत चुनाव का कभी भी ऐलान नहीं हुआ गया है। सरकार द्वारा जो काफ़ी समय से जो है ऐलान करने कहा गया था कि ऐलान कर दिया जाएगा कि पंचायत चुनाव में, लेकिन अब जो है पंचायत चुनाव में जो है देरी होती हुई काफ़ी नज़र आ रही है। इस समय हमारे साथ अब कुछ उम्मीदवार भी उपस्थित है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है पुतला तैयार किया गया है, यहाँ पर पुतले के ऊपर आप देख सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जो है फोटो लगाई गई है। अभी कुछ ही समय में इसका दहन जो किया जाएगा। इस समय हमारे साथ कुछ लोग भी उपस्थित हैं, इनसे भी जानते हैं आखिर पंचायत चुनाव में देरी का इनको क्या कारण लगता है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, हमें तो लग रहा है कि जी ये जो सरकार है वो साजिश के तहत पंचायती राज संस्थाओं को ख़त्म करने की ये जो है कोशिश की जा रही है, लेकिन आम पब्लिक के द्वारा और हरियाणा के पूरी जनता के द्वारा ये जो है कोशिश नाम काम की जाएगी और विरोध इनका किया जाएगा चुनाव में 2024 में भी, और उपचुनाव अभी जो आदमपुर का है उसमें भी पब्लिक इनको मुँह तोड़ जवाब देगी। इसलिए हम चाहते हैं और सरकार से अपील भी करते हैं कि जल्द से जल्द वो पंचायती राज चुनाव संस्थाओं का जो चुनाव करवाने की कोशिश करें और जल्द से जल्द चुनाव करवाएँ। आप भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, 2 साल से लगातार हम गांव में जो है चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। ब्लॉक समिति का चुनाव की मैं तैयारी कर रहा हूं वार्ड नंबर 30 से। सरकार द्वारा 2 साल से कहीं ना कहीं देरी की जा रही है, आपको क्या कारण लगता है कि किस कारण से जो है चुनाव में देरी की जा रही है? कारण तो यही है जी, कोई मेन खास तो कारण लगता नहीं है, गंगाधरी शक्तिमान लग रहा है, क्योंकि याचिका जो लगवानी है वो यही याचिका लगवा रही है खुद ही, और खुद ही कोर्ट केस करवा रही है अपने लोगों से, और पंचायती राज जो संस्थाओं के चुनाव है वो इन्होंने कोर्ट केस के चक्कर में उलझा रखी है अपने आप से। सरकार द्वारा कहना है कि कोर्ट में जो केस चल रहा है उसके बाद मतलब कोर्ट का हवाला देते हुए कुछ ना कुछ देरी हो रही है। बिल्कुल, ये बयानबाजी चल रही है, कोई कुछ नहीं है, इन सारा कुछ इनकी मर्जी से हो रहा है, बहानेबाजी है, क्लियर ही है। कभी क्या डेट बता रहे हैं, कभी क्या डेट बता रहे हैं। 2021 में चुनाव होने थे फरवरी में, लेकिन अभी 2022 भी निकलने को है पूरा, अभी तक कोई भी उम्मीद नहीं लग रही है। और अब जो है गांव के लोगों का सब्र का बांध बिल्कुल टूट चुका है, वो बिल्कुल प्रदर्शन करने के लिए तैयार है, रोडों पर आने के लिए तैयार है, क्योंकि गाँव का जो विकास कार्य वो बहुत ही प्रभावित हो चुका है। गाँव में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, गाँव के लोग सभी विधायक के पास भी नहीं पहुँच सकते हैं, अगर कोई पहुँच जाता है तो वहाँ पर उनकी सुनवाई नहीं होती है। इसलिए गाँवों में जनप्रतिनिधि का होना बहुत ज़रूरी है, गाँव की ज़रूरत है कि उनको जनप्रतिनिधि दिए जाएं। आपको क्या लगता है कि पंचायत चुनाव में जो देरी हो रही है उसका क्या कारण है? इसका सीधा सीधा कारण ये है कि एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि क्या हम गाँव का जो है गाँव को अपना अफसरों के हिसाब से चला सकते हैं, भी क्या हम आने वाले समय में नंबरदारी के पद है या फिर सरपंच पंच के पदों को समाप्त कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, MLA का चुनाव एक दिन देरी से नहीं होता, MP का चुनाव उपचुनाव होता है वो एक दिन देरी से नहीं होता, फिर 20 महीने लेट हो चुके हैं ये चुनाव। पंचायत का कार्यकाल पिछली जो फरवरी थी 2021 की 22 तारीख को ख़त्म हो गया था, 20 महीने बीत चुके हैं। अब खट्टर ने कहा था कि सितंबर में चुनाव हो जाएंगे, अब कल नया बयान आया कि 30 नवंबर से पहले पहले हो जाएंगे, और मैं यूँ कह रहा हूँ आपके माइक पे कि अगले साल भी चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि ये करवाना ही नहीं चाहते चुनाव। जब इनके जेब में माल आने लग रहा है, ठेकेदार इनके, मंत्री इनके, हर एक जगह रिश्वतखोरी, परसेंटेज दे हैं सभी के, कच्ची पिल्ली इंटे लगा रहे हैं, गांव में विकास कर रहे हैं, मोटे सत्र पे भ्रष्टाचार चरम पे पहुंच चुके हैं, ये चुनाव करवाना ही नहीं चाह रहे। एक बात बताओ, वार्डबंदी नहीं हुई कभी कहते हैं, और फाइनल कितनी बार होता है? फाइनल एक बार होता है ना, हिसार में 4 बार फाइनल ड्रा हो चुके हैं जिला परिषद के, हर बार कहते हैं नोटिफिकेशन आता है कि 5 तारीख को फाइनल ड्रा दोबारा से निकाला जाए, फाइनल हो गया फिर दोबारा से क्या हो गया भाई?
तो कहने का मकसद ये है कि ये पंचायती राज का गला घोटने का काम कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं कि कैसे पंचायती राज को ख़त्म किया जाए और कैसे अपनी जेबें भरी जाए। तो और मेरे को भी भविष्य में कोई संभावना ज़्यादा नज़र नहीं आती, ये ऐसे ही लटकाते रहेंगे, देख लेना आप। पंचायती चुनाव की आप बात करें, इनको कहीं ना कहीं ख़त्म करने की बात की जा रही है, उनको सरकार को क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा सीधा है, अफसर है, अब अफसर है, डायरेक्ट मंत्रियों के लिंक हो चुके हैं इनके साथ है। भाई मंत्रियों के पास पैसा पहुंच रहा है, एमएलए के पास पहुंच रहा है, अब गांव में कोई भी विकास कार्य होता है 30 लाख का हो रहा है, उसमें से आधो आध तो कमीशनखोरी में जा रहे हैं। आप किसी भी गांव में जाके देख लो, 75-75 लाख एक एक करोड़ रुपए की जोड़ खुदाई हो रही है, 25 लाख रुपये में आप उससे अच्छा जोड़ खुदाई कर सकते हो और बढ़िया काम कर सकते हो। वो पैसा कहाँ जाता है? वो इनके अफसरों के पास जाता है, मंत्रियों के पास जाता है, तो ये सीधा कर रहे हैं। सरकार द्वारा भी कुछ समय में अगर पंचायत चुनाव की घोषणा नहीं की जाती तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो ये है, मैं तो जो आपके दर्शक देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र से खासकर, मैं इनको कहना चाहता हूँ कि आप इन लोगों का जब तक विरोध नहीं करोगे, ये सरकार इसी तरीके से तानाशाही करती रहेगी। हम तो समय समय पर विरोध करते ही रहते हैं, पिछली बार भी इन्होंने कोर्ट ने 6 महीने की लंबी तारीख दे दी थी, जो जनवरी फरवरी की बात है, सीधी सितंबर की तारीख दे दी थी 7 महीने की। हम सभी ने प्रदर्शन किया था, फिर ट्विटर के माध्यम से हमने विरोध किया तो तारीख को छोटा किया गया, पर वो अपनी वाली तो कर ही रहे हैं घुमा फिरा के। अब भी यूं देख लो आप, 20 महीने लेट हो गया चुनाव, तो इससे जो गांव का विकास है वो प्रभावित होता है और बहुत बड़े स्तर पर नुकसान हो रहा है गाँव का। अब एक बात बताऊँ, अगर गाँव में सरपंच होता तो अब डेंगू फैल रहा है, वो अपने स्तर पर फोगिंग करवाता गाँव में, बजट आता। अब कोई कहता है BDPO से पूछो, कोई कहता है सेक्रेटरी से पूछो, कागजों में उलझा देते हैं, कहते प्रस्ताव होगा, सरपंच के पास अधिकार होते तो वो सीधा प्रस्ताव चढ़ा के गांव में फोगिंग करवा देता, डेंगू नहीं फैलता, बीमारियां नहीं फैलती। समय पे मतलब पीछे बारिश हुई, समय पे पानी की निकासी नहीं हुई कई गांवों में 2-2 महीने, तो मतलब गांव का विकास को प्रभावित करने का और पंचायती राज को ख़त्म करने की बड़े स्तर पर साजिश चल रही है। आपसे यही जानना चाहता हूँ कि लास्ट में कि कहीं ना कहीं जो है गाँव के विकास के लिए सरपंच का होना बहुत ज़रूरी है। सरपंच तो गांव का एक यूँ मान लो मुखिया होता है, उसके बिना तो कोई कार्य संभव ही नहीं हो सकते, क्योंकि उसके ऊपर हर एक तरह का दबाव रहता है। अब अफसर है, अफसर के ऊपर क्या दबाव मानता है? अफसर कुछ नहीं समझता गांव वालों को, भाई उस सरकारी अफसर के साथ आप कुछ बहस भी नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल हर तरीके के कोर्ट कचहरी हो जाता है बंदा। और सरपंच पे तो 100 दबाव रहते हैं, अभी वोट दिए होते हैं हमने, अभी काम तो करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर लोग पकड़ लेते हैं सरपंच को। तो यहाँ पर जो है हाथों में पुतला लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर हरियाणा सरकार मुर्दाबाद लिखा हुआ है। देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर की यहाँ फोटो लगाई गई है, इनसे भी जानते हैं आखिर क्या कारण है कि पंचायत चुनाव में जो है देरी का क्या कारण है। देरी का कारण सर ये, जैसे गांव की पंचायत सरकार, गांव की सरकार हमारी पंचायत होती हैं, गांव के जनप्रतिनिधि होते हैं और उन्हीं लोगों को पता होता है कि गांव में समस्याएं क्या है। गांव के लोग उनके पास जाकर कहते हैं भाई हमारे वार्ड का ये काम है, विधायक को कौन कहेगा, अफसरों को कौन कहेगा और क्यों अफसर मानेंगे। इन सरकार को जो बजट आता है ये खुद ही लूट के खा रहे हैं, इनके नुमाइंदे गांव में शहर में इनका कमीशन आता है, गांव में कोई विकास नहीं हो रहा है, जहां कहीं भी हो रहा है 3 नंबर की इंटेन लग रही है। और 2 साल के लगभग टाइम हो चुका है कि ये गांव का चुनाव नहीं करवा रहे, तो इनकी मंशा साफ है सरकार की कि ये इस पद को समाप्त करना चाहती हैं। और जब तक गांव के लोग भारी विरोध नहीं करेंगे तब तक ये सुधरने वाले भी नहीं है, लेकिन जनता के पास क्या अधिकार है? जब जब वक्त आएगा तो हम वोट की चोट मारेंगे इनको। चुनाव आयोग ने भी कहीं ना कहीं हाथ खड़े कर दिए गए हैं चुनाव जल्दी करवाने से। नहीं, चुनाव आयोग हो चाहे ED हो CBI हो, अपनी अपनी सोच है कि मैं सोचता हूँ इनके पालतू हो गए हैं। अब जब चुनाव आयोग सरकार से पूछता है चुनाव कब करवाने, हाई कोर्ट इनसे पूछती है चुनाव का क्या रिजल्ट है, क्या करवाना है नहीं करवाना है, ये कौन है पूछने वाला? इनको आदेश क्यों नहीं देते भी चुनाव करवाओ, इस देश में कौन सी आपातकाल आया हुआ है, कौन सी आपात स्थिति है कि ये चुनाव नहीं करवा रहे? अब यादवपुर का ना करवाइयो, इनको सरकार चलानी है विधायक से चलती है, सरपंच से नहीं चलेगी, इसलिए विधायक के चुनाव तो करवाएंगे और लगता नहीं निकट भविष्य में ये चुनाव करवाएंगे जी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लोगों द्वारा हरियाणा के मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल का खट्टर जी का पुतला यहाँ पर जो है फूका जा रहा है, पुतला फूकने का कारण है पंचायत चुनाव में देरी। जी हाँ, लगातार 2 साल से जो है पंचायत चुनाव में देरी होती नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं हमने इनसे बात की, इनका कहना है कि जिस प्रकार MP MLA के चुनाव जो है समय पर करवाए जाते हैं, उसी प्रकार जो है पंचायती चुनाव भी है जो समय पर करवाए जाएँ, कहीं ना कहीं जो है गाँव के विकास कार्यों में जो है सरपंच की अहम भूमिका होती है। देखते रहिए RSN Express में आकाश हो या हिसार।